आप देख रहे हैं वॉइस वैम्पी, खुख्यात अफीम तस्कर बाबू सिंधी मामले में लगातार हर रोज नए नाम सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए इस पूरे मामले में, सीबीआई ने अपनी एक चार्जशीट जो थी कोर्ट में पेश कर दी थी। उसके बाद ये 1600 तकरीबन 1630 पेज की जो चार्जशीट बताई जा रही है जिसको कोर्ट पेश किया गया, उसमें कई नाम सामने आए थे। उसके बाद जो एक सूची और सीबीआई ने जारी की, उसमें अगर बात की जाए तो जो नाम निकल के सामने आया उसमें बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए कुख्यात तस्कर फतेहलाल नागदा फत्तू, राजश्री सबनानी, विशंबर शर्मा, अंसराज उर्फ मिथुन गुजर, सावरिया गुजर, लखपत गुजर, सुताश तुषार कोचेटा, मोनू वर्मा, बंटी केसुंदा सहित दीपक सिंहल को जो है पूछताछ के लिए सीबीआई बुला सकते हैं, क्योंकि इनके भी नाम जो कहीं ना कहीं बाबू सिंधी जो है कुख्यात तस्कर है उससे जुड़े हुए देखे जा रहे थे, उस पूरे मामले को जुड़े हुए देखे जा रहे थे। इनसे पूछताछ की जाएगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर इनके पूछताछ में अगर कोई नाम सामने आते हैं और किसी का नाम अगर ये लेते हैं तो उनको भी सीबीआई जो पूछताछ के लिए बुला सकती है। जिस तरीके से ये पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल मामला बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत सुर्खियों में रहा। कुख्यात जो बाबू सिंधी था, बाबू सिंधी लंबे समय से यहाँ पर जो है धोलापाली और डोडा चूरा का जो तस्करी कर रहा था, ऐसे में जो है सीबीआई ने कार्रवाई की थी। उसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था। अगर वहीं बात की जाए तो ये पूरा मामला 26 अगस्त 2021 को इंडस्ट्री एरिया में जो गोदाम में बाबू सिंधी का, वहां पर सीबीआई ने रेड दी थी और वहां से गेहूं के साथ जो है पिसा और डोडा चूरा सीबीआई ने हाथ लगा था। उसके बाद बाबू सिंधी को गिरफ्तार कर लिया था। उसमें जो है आरक्षक पंकज कुमावत जो है एमपी पुलिस का आरक्षक था, उसकी अहम भूमिका निभाई जा रही बताई जा रही थी, उसको भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद इस मामले में जुड़े हुए और भी कई लोग जो है अभी तक फरार चल रहे हैं। इसमें बात की जाए तो सौरभ कोजेटा जो है एक वो फरार चल रहा है, प्रकाश गोलू मोटवानी वो फरार चल रहे हैं, विनोद गुजर है वो फरार चल रहे हैं, शिवरायम गुजर है वो फरार चल रहे हैं। अगर वही बात की जाए तो इस मामले में अभी तक जो जेल में बंद है उसमें बाबू सिंधी जेल में बंद है, साथ ही बात की जाए अनुराग पिता चेतन एरन जो है वो जेल में बंद है, साथ ही राजेंद्र शर्मा उर्फ राजू पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा जो है वो भी इस वक्त जेल में बंद है, अशोक डांगी जो वो जेल में बंद है, कैलाश गादिया जो है वो जेल में बंद है, पंकज कुमावत आरक्षक वो भी जेल में बंद है। वहीं फरारी में जिस तरह की मैंने आपको बताया चार लोग फरारी चल रहे हैं। साथ ही सीबीआई ने जो एक सूची और जारी की उनमें जो है पूछताछ के लिए सीबीआई ने एक लेटर जारी किया है, उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अगर इसमें कोई नए नाम आते हैं तो एक बड़ी चुनौती जो और भी लोग जो इसके सामने इनसे जुड़े हुए थे उनके लिए खड़ी हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।